उस हरामजादे ने हमारे साथ जो खेल खेला है उसका जवाब तो जरूर मैं दूंगा उसे। माथुर जी, देखना आप क्या खेल खिलाता हूं मैं। गुड आफ्टरनून सर, ये सब दिल्ली सीबीआई डिपार्टमेंट से आए हैं। सर मुझे कुलदीप बेदी कहते हैं, मैं हूं सीबीआई ऑफिसर, हमें आपसे कुछ बहुत जरूरी बातें करनी है। आइए तो फिर आइए। राम भैया, आप बाजी को स्टेशन ले लेने गए? लखन गया। लखन? अरे वाह, जीत रहा। कैसी हो माँ? अच्छी हूँ। पता है तुम दोनों के लिए मैंने क्या क्या मन्नतें मांगी हैं? क्या माँ? राम कहाँ है? वो माँ, उनकी कोई जरूरी ड्यूटी लगी इसलिए वो। चलो ना माँ, मैं सामान ले लेता हूँ। रामू, माँ का सामान अंदर ले आओ। ये किसका बंगला है? आओ माँ, आओ आओ। ये कहाँ ले आए बेटे? अपने घर माँ। अपने घर? मतलब? मतलब तुम्हारा घर, हमारे घर। हमारे घर? रामू, माँ के लिए एक ऑरेंज जूस बना के लाओ। लखन, राम कहाँ है? बैठ जा माँ, तुम थकी हुई हो, पहले स्नान कर लो। देखो मैंने बाथरूम में हॉट वाटर की नई मशीन लगवाई है। मैंने पूछा राम कहाँ है। वो अपने घर में है, पुराने घर में। पुराने घर? हाँ माँ, अब मैंने और भैया ने दोनों ने अलग अलग रहने का फैसला कर लिया है। देखो माँ, एक दिन तो अलग होना होता है, कल होना था सो आज हो गए। माँ तुमने मुझसे वादा किया था कि जब हम लोगों के घर अलग अलग बस जाएंगे तो हमेशा मेरे पास रहोगी। घर बस गए हैं या उजड़ गए हैं? देखो माँ, ये उजड़ना बसना सब राम भैया के हाथ में है। वो खामखा मुझ पर नाराज हो गए, गुस्सा हो गए। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं पुलिस अफसर बन गया माँ, और पुलिस अफसर बनते ही मैंने पैसा कमाना शुरू किया। मेरी लॉटरी भी निकली माँ, मैं अमीर हो गया। और अमीर होना कोई गुनाह है? मैं जो कुछ भी बना अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से, मैं दुनिया के साथ चलता रहा और पैसा कमाता रहा। ये संतरे का जूस पी लो। लखन, सबसे पहले मुझे राम से मिलना है। जूस तो पी लो माँ। मैंने कहा ना, पहले मुझे राम से मिलना है। मिलकर आ जाओगी ना माँ? हाँ आऊंगी। कानून की हथकड़ी उसे कभी भी लग सकती है मां, लेकिन तुम लखन के पास जाकर रहो तो ही अच्छा है मां। वो तुमसे बहुत प्यार करता है मां, और तुम भी तो उसे मुझसे ज्यादा ही चाहती रही हो ना। मेरी और उसकी नहीं बनी तो क्या हुआ मां, तुम्हारी बन जाएगी। तुम तो माँ हो ना? हाँ माँ, मैं जानता हूं
मैं जानता हूं मैं तुम्हारा दिल हूं मां, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि लखन तुम्हारे दिल की धड़कन है मां, और धड़कन बिना दिल किस काम का। मंदिर कहां है? राम, मुझे लखन के पास ले चलो। हाँ, मुझे लखन के पास जाना है। अब किस चीज का इंतजार है? किसी चीज का नहीं। मां अपना फैसला सुना चुकी है, अगर आप चाहें तो आप भी इस घर में आ सकते हैं। ठाकुर प्रताप सिंह की है, जिसका कत्ल बिशंबर और भानु ने मेरी आंखों के सामने किया था। मेरे दो अनमोल रतन, मेरे दो अनमोल।
मिस्टर लखन, ये है दिल्ली सीबीआई डिपार्टमेंट के मिस्टर कुलदीप बेदी। आपके ऊपर सीबीआई की तरफ से कुछ चार्जेस है, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। ये रहा आपका गिरफ्तारी वारंट। अरे लखन। अबे लखन नहीं, लखन साहब बोल। ओहो लखन साहब, अरे ये क्या, हमें खाने पे बुलाया और खुद ड्यूटी पे जा रहा है। शिवा मेरा एक काम करना है यार, माँ जी का मंदिर माँ जी तक पहुंचा देना और कहना आपकी प्रतिज्ञा पूरी करके ही वापस लौटेगा लखन। प्रतिज्ञा? माफ करना पांडे, माँ जी की प्रतिज्ञा तुम लोगों के फर्ज से ज्यादा जरूरी है। चलो कमान, मुझे वहां तक छोड़ दो। सॉरी भाजी साहब, वादा करता अपना काम करके आपके पास ही आऊंगा। रुक जाओ लखन, क्या कह रहे हो तुम? पीछा करो उसका। ये क्या कह रहे हो तुम? इस तरह तो लखन और बर्बाद हो जाएगा। और राम कहां? अच्छा मैं आ रहा हूं। क्या हुआ डैडी? लखन पुलिस की हिरासत से भाग गया। स्ट्यूपिड बॉय, बेवकूफ कहकर इधर राम परेशान, उधर लखन फरार। अब बताइए पागलपन, कहता है कि पुलिस के फर्ज से ज्यादा जरूरी है अपनी मां की प्रतिज्ञा। हार्दिक स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आओ लखन भतीजे, सर जॉन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वेलकम वेलकम मिस्टर लखन। के चारों तरफ बारूद फैला दिया गया। भालू, माथुर साहब आप दोनों घर जाओ। बेहतर है। चलो विजय जी, ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या है सर? बेटा लखन, ये सब तुम्हारी ही शान में है। बंगला तुमने ले लिया, हवेली तुम्हें मिल जाएगी और तुम्हारे सपनों की रानी भी छमछम करती आ जाएगी यहाँ। लेकिन अपना वादा तो याद है ना, सूरज निकलने से पहले तुम्हें हमारे ट्रकों को बॉर्डर पार करवाना है। तैयार हो ना बैडमैन? हाँ सर मैं तैयार हूँ। जीवा इन्हें इनकी वर्दी दे दो। सर मैं वर्दी के बिना ही जाऊंगा क्योंकि मां लोग मुझे पहचानते हैं। वर्दी के बगैर तो खेल में मजा ही नहीं आएगा। लेकिन सर मैं वर्दी पहन लो लखन। सर जॉन अब मैं यह वर्दी नहीं पहन सकूंगा। हमसे मत खेलो लखन, वर्दी पहन लो। वर्दी पहन लो बेटा, पहन लो वर्दी। पहन लो बैडमैन, पहन लो। मैंने कहा ना मैं वर्दी नहीं पहनूंगा। पहन लो बच्चे। मैंने कहा ना मैं वर्दी नहीं पहनूंगा। लखन बेटे पहन ले वर्दी, पहन ले वर्दी, पहन ले बच्चे। तो तू वर्दी नहीं पहनेगा, तू क्यों नहीं पहनेगा? तू नहीं पहनेगा, एक तो तू नहीं पहनेगा। वर्दी तो तेरा बाप भी पहनेगा। तू जरूर पहनेगा, तू जरूर पहनेगा। लखन इन्हें पता चल चुका है कि पुलिस तुम्हारे पीछे है और तुम किस इरादे से यहां आए हो। तुम्हें झूठ क्यों बोला लखन, क्यों बोला? केसरिया ये भी फेल हो गया तो पास कर देते हैं इसे। पास करने से पहले इसे इसकी सपनों की रानी के दर्शन तो करवा दो केसरिया। क्यों नहीं, क्यों नहीं। चलो
मिसेस सरजान नंबर 5। अरे सरजान मुबारक हो, पांचवी शादी आपको मुबारक हो। ये था हमारी तरफ से आपको एक खूबसूरत तोहफा। मेरे भाई लखन ने अपराध जरूर किए हैं, लेकिन इस अपराध के पीछे किसी और की साजिश है। हाँ साजिश, आप लोगों ने पेड़ देखा है लेकिन इसकी जड़ कहीं और है। इंस्पेक्टर राम। मैं सर जॉन बोल रहा हूं। तुम्हारा भाई हमारे पास जिंदगी के लिए तड़प रहा है। हमने सोचा कि जो काम लखन पूरा ना कर सका उसे राम पूरा कर देगा। तुम चाहो तो अपने भाई की जिंदगी बचा सकते हो, हमारे आदमी तुम्हें हर काम समझा देंगे। तुम अकेले आओगे चौकी नंबर 7 पर। तुम यानी सिर्फ तुम। मतलब ये कि सर जॉन की धमकियों से सहम कर हम काम करें? अरे ये तो सारे पुलिस डिपार्टमेंट का अपमान है। ना, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आपका मतलब है कि हम लखन को वहीं छोड़ दे खत्म होने के लिए? आप लोग होश में तो हैं? तो क्या करें बेटी, उनके सामने झुक जाएं? हाँ पापा, राम को झुकना होगा, इसलिए कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि लखन राम की जिंदगी है और राम लखन के बिना नहीं जी सकता। रह लूंगा मैं उसके बिना, रह लूंगा। क्या हर बार मेरी परीक्षा लेगा वो, हर बार मुझे दुख देगा? जी लूंगा मैं उसके बिना। राम, लखन, लखन, ट्राई लखन, ट्राई, ओपन योर आईज लखन। मेरा सुना नहीं, आप अपनी आंखों से ही देख लो। ट्राई लखन। इश्क है, सिर्फ इश्क। लखन विविया से ही शादी करने वाला है। काशी राम 9 घंटे हो गए राधा को लेकर गए हुए। कौन लेकर गया? अरे वही बिशंबर और देबू। क्यों कर? ये क्या कर कि किसी झंडे वाले बाबा को उसकी शादी की कुंडली दिखानी है, पर अब तक आए क्यों नहीं आ? सेठ जी मन ने तो लग गए, आपकी आंखा में मिर्ची डाल गए। वो कैसे? असलम जरा सेठ जी ने आके वो लखन का किस्सा तो सुना। इससे पहले कि आज रात की महफिल में तुम कुछ नाटक करो, हम तुमसे आखिरी बार पूछना चाहते हैं, क्या तुम्हें हमसे शादी करने से इनकार है? जी नहीं, मुझे मंजूर है, मगर मेरी एक शर्त है। क्या? शादी से पहले एक बार आपको मेरे सामने लखन को लाना होगा। क्यों? क्या तुम उसे छुड़वाओगी या मार डालोगी उसे? इसका जवाब आपको वही मिलेगा। खेल अच्छा रहेगा। बेकार ना करो सरजान, आज करोड़ों की कोकीन तो श्री राम ही निकालेंगे, तब तक आप राधा के साथ शादी के ढोल बजाइए।